झुंड के टीजर ने कैसे मचाया तहलका। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज में सोनी का जाल। दोस्तों, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन इस साल एक के बाद एक कई फिल्मों में नजर आने वाले हैं। इसी बीच अब उनकी आने वाली फिल्म झुंड का टीजर रिलीज हो चुका है। सामने आए इस टीजर में झुग्गियों में रहने वाले बच्चों का एक झुंड गुस्से में कहीं मारपीट करते हुए नजर आ रहा है। टीजर में अमिताभ बच्चन भी नजर आ रहे हैं। इसमें बिग बी अपने झुंड के साथ दमदार नजर आ रहे। इस फिल्म को भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, सविता राज हीरेमत और नागराज मंजुला मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। डायरेक्टर नागराज मंजुले बॉलीवुड में डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू कर रहे हैं। एक दिन पहले फिल्म का पहला पोस्टर सामने आया, जिसे बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। फिल्म की कहानी विजय बार्स की लाइफ पर आधारित है, जो स्लम सॉकर के संस्थापक है। अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म के लिए काफी मेहनत की है। उन्होंने फुटबॉल कोचर बनने के लिए फुटबॉल भी सीखा है और झुंड से वो तहलका मचाने वाले हैं। अमिताभ बच्चन इस एज में भी जिस तरह का रुतबा दिखाते हैं वो मानने लायक है। लेकिन हाल ही में जब एक शो में वो पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि अब मुझे लगता है कि मेरा रिटायरमेंट का समय हो चुका है, उस वक्त उनके फैंस बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे, क्योंकि बिग बी को हम हमेशा बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं, उन्हें हार नहीं मानने देना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद उनकी ब्रह्मास्त्र आई और फिर रनवे 34 की अनाउंसमेंट हुई, फिर से बिग बी बैक आए और उन्होंने कहा कि नहीं, पिक्चर अभी बाकी है और अभी बहुत काम करना बाकी है। तो फैंस के लिए एक बार फिर से बिग बी लेकर आ रहे हैं झुंड। आपको कितना इंतजार है इस फिल्म का, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को।